Good afternoon, all of you. Today we will discuss about our next chapter, that is article. Article के बारे में लगभग सभी सुना होता है और सबसे एक ही चीज बताते हैं कि आर्टिकल हमारे पास तीन होते हैं ए एन और द. Most of the students don't know about the definition and how many types of article are there. Today we will discuss about article in brief. So let's start. Article. Article को हम हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं. Clear? Definition देखते हैं. An article is a word that is used with a noun to indicate the type of reference we make to the noun. जो article है वो हमारा noun के साथ use होता है. Clear? क्या indicate करने के लिए use होता है? Reference के type को बताने के लिए use होता है जो हमने noun को बनाने के लिए use किया है. ठीक है? जो हमने noun को बनाने के लिए use किया. For example, this is a chair. यहाँ पर हमारे पास chair क्या है? एक noun है. नाउन के साथ हमने ए लगाया है जो क्या दिखा रहा है कि चेयर एक ही है. मैंने वो टाइप बता रहा है. ठीक है? वो रेफरेंस के टाइप को बता रहा है. हमने रेफर ये दिस किस पे रेफर कर रहा है? चेयर पे. और चेयर के रेफरेंस के लिए कितने सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है, उसके लिए हमने यहाँ पर वो चीज को डिस्क्राइब कर रहा है. यहाँ पे आर्टिकल डिस्क्राइब कर रहा है. क्लियर? अब देखो, दिस इज एन अम्ब्रेला. अब क्या कर रहा है यहाँ पे, ये किसको रेफर कर रहा है? अम्ब्रेला को. और अम्ब्रेला कितने हैं, मतलब कैसा है? एक है, दो है, चार है, दस है, क्या है, वो कौन बता रहा है? हमारा आर्टिकल बता रहा है. दिस इज एन अम्ब्रेला, यह एक छतरी है. ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, वह इन दोनों में से सबसे ज्यादा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, बलवान है. यहाँ पर हमारा आर्टिकल क्या है? द. ओके, इन्हें आर्टिकल मैंने मेरे तीनों के एग्जाम्पल आपको दिए हैं. अब देखो, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल की. एक्चुअल में ए एंड द कोई टाइप नहीं है. हमारे पास आर्टिकल सिर्फ दो तरीके के हैं. फर्स्ट वन इज आर डेफिनेट आर्टिकल, सेकंड इज इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आता है हमारा द, और इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर हमारे पास दो आर्टिकल आते हैं, ए और एन. क्लियर? दोनों का मतलब एक होता है जो सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं. क्लियर? अब यहाँ पर देखो, हम इनडेफिनेट आर्टिकल को सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे. व्हाट इज इनडेफिनेट आर्टिकल? इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? दे आर यूज टू रेफर टू नॉन स्पेसिफिक और जनरल नाउन. इसको स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, जनरल नाउन को, या फिर आप कह सकते हैं नॉन स्पेसिफिक नाउन को, जो बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं होते. नॉन स्पेसिफिक नाउन को जो स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किए जा सकते, जो अनिश्चित होते हैं, उनको डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं. यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक या जनरल नाउन किसको बोला गया है? जो अनिश्चित है. ठीक है? उनको यूज, उनको डिफाइन करने के लिए हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज कर रहे हैं. क्लियर? एग्जाम्पल के लिए हमारे पास दो इंडेफिनेट आर्टिकल है, ए और एन. अब देखो, हमारे पास दो ही इंडेफिनेट आर्टिकल है, ए और एन. मैंने लिखा भी ए एन, दो सारे इंडेफिनेट आर्टिकल्स. क्लियर? नेक्स्ट वर्ड मैंने बनाया ए इज यूज बिफोर. अब हमें पता होना चाहिए कि ए कहाँ यूज होगा, एन कहाँ यूज होगा, जबकि दोनों का मतलब एक है. क्लियर? देखो, मैंने नोट बनाया है, ए इज यूज बिफोर द वर्ड्स दैट गिव यू अ कॉन्सोनेंट साउंड. ये क्या है कि उन वर्ड के साथ यूज होगा जिसका फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनंसिएशन कॉन्सोनेंट होगा. क्लियर? जैसे अ डॉग बार्क आउटसाइड, क्या कह रहा है? डॉग. डॉग क्या है? हमारा नाउन. इसने यही बोला था नाउन के साथ लगेगा, और डॉग हमारा नाउन था, तो नाउन के साथ हमने क्या लगाया है? ए लगाया है. ए क्यों लगाया? जो कि बी. बी किसकी साउंड है? दो. बी किसकी साउंड है? कॉन्सोनेंट की है. तो दैट्स व्हाई उसने यही बोला है कि अगर कॉन्सोनेंट की साउंड से हमारा जो वर्ड है वो शुरू हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे. अब हमें यहाँ पर कॉन्सोनेंट भी देखना, यहाँ पर डी आया है, यहाँ पर के आया है, उसकी साउंड को देखना है. ये उसकी ध्वनि, उसकी आवाज को देखना है कि वो किस चीज की आवाज दे रहा है, कॉन्सोनेंट की आवाज दे रहा है या वोवल की आवाज दे रहा है. ठीक है? फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनंसिएशन को हमें ध्यान में रख के ये यहाँ पर लगाना है, ए और एन. Move to the next N. N कहाँ यूज होगा? N is used before the word that begins with a vowel sound. जो vowel से शुरू होगी. The first sound of word is vowel. Clear? Example देखो. An apple fell from the tree. क्या कह रहा है? An apple fell from the tree. अब यहाँ पे देखो, apple हमारा noun था, और noun से पहले हमने क्या लगाया है? हमारा indefinite article लगाया है. N क्यों लगाया है? क्योंकि apple एक ही sound दे रहा था, और ये क्या है? हमारा vowel है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है? एन लगाया है. ओके? अब मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हैं ताकि आप उसको समझ पाओ कि ए कहाँ यूज होगा, एन कहाँ यूज होगा. लेट्स सी. यूनियन. यूनियन में फर्स्ट साउंड क्या है? य है. वोवल की साउंड तो नहीं है, तो हम ए लगाएंगे. क्लियर? बट यहाँ पर अम्ब्रेला था, यहाँ पे भी यू था, यहाँ पे भी यू था, लेकिन साउंड दोनों की चेंज है. यहाँ पर वो और की साउंड दे रहा था, और यहाँ पे वो य की साउंड दे रहा है. ये हमारा और की साउंड किस पे आ रही है? वोवल में आ रही है, और ये हमारी य की साउंड कॉन्सोनेंट में आती है. क्लियर? यूनिवर्सिटी, इसमें भी ए आएगा. और अब यहाँ पे एच है, एच तो हमारा कॉन्सोनेंट है,
लेकिन साउथ ईस्ट भी है ओ पी, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे ए एल लगाएंगे, एल लगाएंगे, ठीक है। ईयर में भी हमारे साउंड कॉन्फिडेंट की है तो बैक पर हम यहाँ पर क्या लगाएंगे ए लगाएंगे। आई ए एस, आई ए एस में किसकी साउंड है मेरे को आ, किसकी साउंड है और की साउंड है ना, तो हम क्या सबसे पहले और की साउंड है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर एल लगाएंगे, ठीक है। एस बी ओ, एस बी ओ में भी ए की साउंड है, ऐसे लिखते हैं एस, लेकिन की साउंड है मोबाइल की साउंड है तो हम क्या लगाएंगे एन लगाएंगे। ये आई थिंक इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि कहां पर ए आना चाहिए और कहां पर एन आना चाहिए। सो मोमो, यहाँ पर मैंने ए और एन के यूज के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल लिखे हैं जो मेनली यूज किए जाते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ए और एन सिंगुलर नाउन से पहले यूज किया जाता है। ये तो सबको पता है कि ए और एन का मतलब एक है तो ऑब्वियसली सिंगुलर नाउन से पहले लगेगा, जैसे आई हैव अ पेन, यहाँ पर ए क्या है हमारा आर्टिकल है, ठीक है। पेन क्या है सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है ए, एन क्यों ने लगाया जो कि प, ए किसकी साउंड है कॉन्सोनेंट की, क्लियर। मूव टू द सेकंड वन, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर व्हाट आए तो व्हाट के बाद हमें क्या करना है ए और एन का यूज करना है बिफोर अ काउंटेबल नाउन। इसका मतलब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट के बाद और काउंटेबल नाउन से पहले हमें क्या लगाना है ए और एन का यूज करना है, क्लियर। जैसे देखो व्हाट आ ग्रैंड बिल्डिंग, यहाँ पर देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, सिंपल ही बता दिया, क्लियर। क्या लगा था व्हाट लगा था, उसने बोला बिफोर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन कौन से जो गिने जा सकते हैं, बिल्डिंग गिनी जा सकती है, यस। तो अब देखो हमने क्या लगाया यहाँ पर काउंटेबल नाउन था ग्रैंड बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग वगैरह गिन सकते हो, वहां पे क्या था मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उससे पहले हमें क्या लगाना था ए एन लगाना था, हमने लगा दिया, यानी वर्ड के बाद और काउंटेबल नाउन से पहले हमें ए और एन का यूज करना है, क्लियर। रूल नंबर थ्री, ए एन प्लस पर मंथ और प्राइस एस पर केजी, क्या कह रहा है कि पर मंथ के साथ और अगर हमें किसी एक किलो के हिसाब से किसी का रेट बताना हो तो हम उसके साथ भी क्या यूज करेंगे ए एन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखो, राइस सेल्स 50 रुपीज अ किलो, यहाँ पर यह क्या कह रहा है कि जो राइस है वो 50 रुपए किलो के हिसाब से बिकते हैं, यहाँ पर एक किलो का प्राइस बताया गया था तो हमने क्या किया इसमें यहाँ पर क्या लगाया किलो के साथ ए लगाया, ए क्यों लगाया जो भी क की साउंड थी, क हमारा कॉन्सोनेंट है, क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, आई अर्न 20,000 अ मंथ, यहाँ पर माह के हिसाब से यानी प्रति माह के हिसाब से किसी की सैलरी बताई गई है, तो मैं 20,000 रुपए महीना कमाता हूँ, तो ये पर मंथ के हिसाब से किसी की सैलरी को डिफाइन किया गया है तो हमने क्या लगाया यहाँ पर ए मंथ, क्लियर। ए क्यों लगाया जो कि मंथ की साउंड है, मंथ हमारा कॉन्सोनेंट में आता है। मूव टू द नेक्स्ट वन, देखो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे जिनके साथ हमें ए लगाना ही है, अगर हम लिख रहे हैं 100 तो हमें इसके साथ ए लगाना है, ए 100, 1000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, ठीक है, इनके साथ ए हमारा आएगा ही आएगा, क्लियर। जैसे अगर हमें किसी के हाफ किलो के प्राइस को बताना हो, जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा 3.5 किलो को हम कैसे लिखेंगे 3.5 किलो, मतलब हाफ के साथ भी हमें क्या लगाना है ए लगाना है, एच हमारा कॉम्पोनेंट से ए ही लगेगा, एन तो लगेगा नहीं हाफ के साथ, तो 3.5 किलो को कैसे लिखना 3.5 किलो। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर दो आई हैव अ 100 पेंस, आई हैव अ 100 पेन, मैंने बोला था जहां पे भी ये वर्ड आएंगे हम उनके साथ ए ऐसे ही रखना है, तो 100 मैंने यहाँ पर लिया था, इसके साथ मैंने क्या लगाया ए लगाया, क्लियर। नेक्स्ट देखो, शी हैज टू वॉक 3.25 किलोमीटर डेली, अब यहाँ पर 3.5 किलोमीटर की बात हो रही थी तो हमने यहाँ पर एक क्वार्टर को क्या लिखा, यहाँ पर हमें एक क्वार्टर दिखाना था तो उस क्वार्टर के साथ हमने क्या लगाया ए लगाया, तो हमें यहाँ पर 3 से ज्यादा मतलब 3 किलोमीटर तो है और एक क्वार्टर और एक्स्ट्रा चलती है, तो वो एक क्वार्टर दिखाने के लिए यानी वो भी सिंगुलर नाउन सिंगुलर की बात कर रहा था, जो क्वार्टर एक ही था तो उसको हमें दिखाने के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ा ए, तो हमने क्या लगाया जैसे हाफ के साथ हमने यहाँ पर ए लगाया था वैसे ही क्वार्टर के साथ भी हमें क्या लगाना है ए यूज करना है, क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट वन, प्रोफेशन के साथ यानी प्रोफेशन से पहले भी हमें क्या यूज करना है ए और एन का यूज करना है। एग्जाम्पल देखो, शी इज अ नर्स, नर्स टीचर डेंटिस्ट कोबलर कार्पेंटर इंजीनियर आर्किटेक्ट, ऐसे कोई भी प्रोफेशन हो तो उनसे पहले हमें क्या यूज करना है ए एन का यूज करना है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनंसिएशन। यहाँ पर नर्स की फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनंसिएशन वर्ड भी जो कि हमारी कॉन्सोनेंट में कंसीडर होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ए यूज किया है। मूव टू द नेक्स्ट वन, फॉर डिस्क्राइबिंग अ स्पेशल क्लास वी हैव टू यूज ए और एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्या कह रहा है कि किसी स्पेशल क्लास को डिफाइन करने के लिए हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले क्या लगाना है ए और एन।
टेंस का यूज करना है। क्लास को डिफाइन करना मतलब उसकी जाति विशेष के बारे में बताना। ये देखो यहाँ पर अ डॉग इज एन एनिमल, वहां पर ये कुत्ते की जात को बता रहा है कि कुत्ता क्या है, एक पशु है। तो हमने यहाँ पर दो जगह हमारा आर्टिकल यूज किया है, एक एनिमल से पहले ये उसकी कास्ट को यानी उसकी क्लास को डिस्क्राइब कर रहा था और यहाँ पर वो उस कुत्ते के बारे में बता रहा था। तो एक कुत्ता क्या है, एक पशु है। अब पीकॉक इज अ बर्ड, सेम यहाँ पर भी है, हमने दो बार आर्टिकल यूज किया है, एक जिसके कास्ट के बारे में बता रहा है, एक जिस कास्ट को वो डिस्क्राइब कर रहा है। क्लियर? मोर टू द नेक्स्ट वन, मोर टू द नेक्स्ट वन, मैनी रादर क्वाइट सच। अगर इनके बाद मैनी रादर क्वाइट सच, इनके बाद कोई सिंगुलर नाउन है तो हमें सिंगुलर नाउन से पहले किसका यूज करना है, ए और एन का यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको पता लगेगा मैनी, यानी मैंने लिखा था मैनी वर्ड के बाद क्या है सिंगुलर नाउन है वुमन, तो हमें वुमन से पहले क्या लगाना है, ए और एन लगाना है। जब भी हमारी कॉन्सोनेंट की साउंड है तो हम ए यूज करेंगे। मैनी अ वुमन वुड वेलकम सच अ चांस, कईयों में से कई एक ही ऐसी होती है जो ऐसे मौके का वेलकम करती है, ये मतलब उसको अपनाती है। ठीक है, मैनी अ वुमन वुड वेलकम सच अ चांस। जैसे यहाँ पर मान लो राधा आता, राधा के बाद कोई सिंगुलर नाउन आता तो उससे पहले भी हम क्या यूज करते, ए और एन का यूज करते, जो कि हमारे पहले में भी दिखा था कि सिंगुलर नाउन से पहले हमें ए और एन का यूज करना ही है। क्लियर? उसके बाद देखो सो एज टू क्वाइट हाउ, इनके बारे में कोई एडजेक्टिव आया है तो एडजेक्टिव के बाद हमें ए और एन का यूज करना ही है। देखो एग्जाम्पल, देखो राम इज नॉट सो बिग, यहाँ पर एडजेक्टिव क्या था, बिग, और बिग से पहले क्या आया है, तो क्या है, इनमें से कोई वर्ड है सो मेरा। ठीक है, एडजेक्टिव से पहले क्या आया है, इनमें से कोई पांचों में से कोई एक वर्ड आना चाहिए, उसके बाद हमें क्या लगाना है, ए और एन का यूज करना हमने किया है। अ फूल एज यू थिंक, राम उतना बड़ा फूल नहीं है जितना तुम सोचते हो। तो ये थे हमारे पास हमारे ए और एन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, टुडे वी विल स्टार्ट आवर डेफिनेट आर्टिकल। व्हाट डू यू मीन बाय डेफिनेट आर्टिकल, उसको हम कहते हैं निश्चित अनुच्छेद। देखो डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज यूज टू रेफर टू स्पेसिफिक और पार्टिकुलर नाउन दैट आर ऑलरेडी नोन टू द रीडर और लिसनर। दैट मींस ये उन स्पेसिफिक नाउन को रेफर करेगा जो पहले से ही किसी रीडर या लिसनर को पता हो, जो मतलब पहले से ही उसके बारे में जानता हो। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल लिया है Kindly return the book, के प्लीज वो बुक वापस कर दो। अब यहाँ पर उसने मेंशन तो किया ही नहीं कि कौन सी बुक के बारे में बात कर रहा है, तो लिसनर को ये ऑलरेडी क्लियर है कि वो कौन सी बुक की बात कर रहा है जो उसने उसको दी थी। मोर टू द नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हैं जहाँ पर आपको डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है, और डेफिनेट आर्टिकल हमारा द होता है, ये तो आपको पता ही है। क्लियर? यहाँ पर हमारा डेफिनेट आर्टिकल क्या है, द। फर्स्ट मैंने जो लिखा है द प्लस ऑलरेडी डिफाइंड थिंग्स, दा किसके साथ लगेगा, जो चीजें पहले से ही डिफाइंड है, जो निश्चित है। जैसे आई फाउंड द बैग यस्टरडे, मुझे कल एक बैग मिला। द बैग कंटेन सम कॉइन, मैंने यहाँ पर बैग के साथ दा लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि मैं उसी बैग की बात कर रही हूँ जो मेरे को कल मिला। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर ए बैग लिखती तो मैं फिर किसी और बैग के बारे में बात करती। अगर मैं यहाँ पर लिखती आई फाउंड द बैग यस्टरडे, मुझे कल एक बैग मिला। अब बैग कंटेन सम पॉइंट्स, मतलब एक बैग में कुछ सिक्के हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मुझे मिला ये कोई और बैग है, जिस बैग में सिक्के हैं वो कोई और बैग है। क्लियर? बट अब जब मैंने यहाँ पर एक डेफिनेट आर्टिकल दा लगाया है, इसका मतलब ये है कि ये वही बैग है जो पहले से निश्चित हुआ था, जो मतलब मुझे कल मिला था। मूव टू द नेक्स्ट वन, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री मींस जो डिग्री हम कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं उनके साथ हम द का यूज करेंगे। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में जैसे जिसके पीछे ईआर आता है, सुनर, लॉन्गर, बिगर, स्मॉलर। एग्जाम्पल देखो, द मोर शी गेट्स द मोर शी डिमांड्स, मतलब जितना उसको मिलेगा उतना ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ेगी। क्लियर? यहाँ पर हमारे पास मोर क्या था, हमारी कंपैरेटिव डिग्री थी, और उससे पहले हमने किसका यूज किया है, हमारे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया। क्लियर? नेक्स्ट देखो, द सुनर ही कंप्लीट्स द बेटर इट इज, क्या कह रहा है कि जितना जल्दी वह इसे कंप्लीट करता है उतना ही उसके लिए अच्छा है। देखो सुनर क्या था, हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री थी और उसके साथ हमने क्या लगाया, द यूज किया। यहाँ पर हमारे पास जो कंपैरेटिव डिग्री थी वो थी हमारी बेटर, और बेटर के साथ भी हमने द को यूज किया। मूव टू द नेक्स्ट वन, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, आगे बीच में कुछ सेंटेंस है, द प्लस कंपैरिजन, क्या कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ तो हमें द यूज भी करना है, बट जहां पे हम जिन चीजों को हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, उस नंबर के साथ भी हमें द यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बेटर ऑफ द टू नॉवल्स। देखो यहाँ पर
ये बेटर क्या था, हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री थी, इसके साथ हमने द यूज किया, ये हमारे ऊपर वाले रूल ने डिफाइन कर दिया। अब देखो द टू नॉवल्स, अब यहाँ पे टू नॉवल क्या था, इनमें से मैंने इस नॉवल को सिलेक्ट किया है जो अच्छी है, क्लियर। अब जो सिलेक्शन जो कंपेरिजन का नंबर था उसके साथ भी हमें क्या यूज करना है, द यूज करना है इन केस ऑफ सिलेक्शन। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन, द प्लस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स है उनके साथ भी हमें क्या यूज करना है, द यूज करना है। कैसे, ही इज राउंडेड इन द आर्म, आर्म हमारा बॉडी पार्ट था तो उसके साथ हमने क्या लगाया, द लगाया। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन, द प्लस सिंगुलर नाउन बट इन केस इट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ द क्लास, क्या कह रहा है कि हमें सिंगुलर नाउन के साथ भी द लगाना है, हमने पहले किया था सिंगुलर नाउन के साथ हम ए और एन लगा रहे थे, ऑब्वियसली जब वो सिंगुलर है तो ए एन से ही डिस्क्राइब कर सकते हैं, सिंगुलर का मतलब तो एकवचन ही होता है ना। ओके, बट ये कह रहा है कि हमें सिंगुलर नाउन के साथ द लगाना है, लेकिन क्या केस होना चाहिए, जब वो किसी क्लास की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा हो, क्लियर, एग्जाम्पल में समझ आएगा। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, अब देखो क्या कह रहा है, दो क्या था, कुत्ता एक है लेकिन उसके आगे दा लगाए हैं, अब दा क्या कर रहा है, दा उसकी पूरी क्लास को डिफाइन कर रहा है कि जो कुत्ते हैं, जो मतलब कुत्तों की जो जात है वो क्या है, एक विश्वसनीय पशु है। सिर्फ वो एक कुत्ते को डिफाइन नहीं कर रहा है यहाँ पर, एक ही कुत्ता हमारा ट्रस्टवर्दी है या फेथफुल है, वो कह रहा है कि जो जो हमारी कुत्तों की जो एक क्लास होती है, जो उनकी जात होती है वो ट्रस्टवर्दी है। नेक्स्ट वन इज आर द नेम ऑफ रिवर, अब हमें क्या करना है, रिवर के नाम के साथ भी हमें क्या लगाना है, दा यूज करना है, जहां पे भी हमारा रिवर वर्ड आता है उसके साथ भी हमें दा ही यूज करना है, क्लियर। जैसे द गंगा, द यमुना, द सतलुज। ओके, मूव टू द नेक्स्ट, द प्लस नेम ऑफ एम्पायर, किसी एम्पायर के नाम के साथ भी हमें दा लगाना है, जैसे द रोमन एम्पायर। मूव टू द नेक्स्ट, द प्लस नेम ऑफ रिलीजन, किसी भी रिलीजन के नाम से पहले हमें क्या यूज करना है, दा, फॉर एग्जाम्पल द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख्स। मूव टू द नेक्स्ट, द प्लस हिस्टोरिकल इवेंट्स, किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट से पहले भी हमें दा का यूज करना है, द फ्रेंच रिवोल्यूशन, द क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट, द प्लस पॉलिटिकल ग्रुप, किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप से पहले भी हमें दा का यूज करना है, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस। नेक्स्ट है द प्लस नेम ऑफ न्यूज पेपर, किसी भी न्यूज पेपर के नाम से पहले भी हमें दा का ही यूज करना है, द प्लस हिंदुस्तान टाइम्स, द प्लस इंडियन एक्सप्रेस। नेक्स्ट है द प्लस नेम ऑफ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग के नाम से पहले भी दा का यूज होगा, जैसे द ताजमहल, द चार मीनार, द रेड फोर्ट एंड सो ऑन। नेक्स्ट है द प्लस नेम ऑफ कैनल, कैनल के नाम से पहले भी दा का यूज होगा, कैनल का मतलब होता है नहर, रिवर और नहर, नहर रिवर होता है नदी और कैनल होता है नहर, तो दोनों के नाम से पहले भी क्या यूज होगा, द यूज होगा, रिवर के साथ भी द ही यूज होता है, अगर हम बोले ना ही इज जंपिंग इन टू द रिवर। देखो कैनल के नाम से पहले दा का यूज होगा, द पनामा कैनल। नेक्स्ट है द प्लस नेम ऑफ सी, समुद्र के नाम से पहले भी दा का यूज होगा, जैसे द रेड सी, द इंडियन ओशन। नेक्स्ट है द प्लस नेम ऑफ शिप, जहाज के नाम से पहले भी दा का यूज होगा, जैसे द बोइंग, द विक्रांत। नेक्स्ट है द प्लस नेम ऑफ ट्रेन, ट्रेन के नाम से पहले भी दा का यूज होगा, द इंटरसिटी, द राजधानी एक्सप्रेस। मूव टू द नेक्स्ट, द प्लस यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स कौन सी, जो यूनिक चीजें हैं, जैसे जो यूनिवर्सल ट्रुथ है हमारे, फॉर एग्जाम्पल द सन, द अर्थ, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स। लेकिन यहाँ पर मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है, देखो द गॉड रिसाइड इन द हेवन। अब देखो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होते हैं, जो हमने देखे हैं, सच है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो काल्पनिक होती हैं, जो इमेजिनरी होती हैं, जैसे हेवन और हेल। हेवन और हेल के साथ हम कभी भी दा का यूज नहीं करते, क्योंकि वो हमने कभी देखे ही नहीं, तो वो क्या है, काल्पनिक है हमारे लिए, वो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, वो सत्य नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, गॉड रिसाइड इन हेवन, हम यहाँ पर हेवन के साथ दा नहीं लगाएंगे, क्लियर। द क्रॉस हेवन, मैंने ये नोट भी बनाया है यहाँ पे, और द क्रॉस हेल भी बनाया है, ठीक है। अब देखो गो टू हेल, हम हमेशा जब भी किसी को बोलते बाहर में जाओ, हम कहते हैं ना गो टू हेल, हम कभी ये तो नहीं कहते गो टू द हेल, तो हेल और हेवन के साथ हम दा नहीं लगाते, क्योंकि वो इमेजिनरी है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट है दा प्लस होली बुक, जो भी हमारे पवित्र ग्रंथों के नाम होते हैं उनके साथ भी हम दा का यूज करते हैं, जैसे द रामायण, द कुरान, द बाइबल एंड सो ऑन। नेक्स्ट है द पोस्ट ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति के पद के साथ भी हम दा का यूज करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लिया है द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर, जो चेयरमैन है वो उसकी पोस्ट है, क्लियर, उसके साथ हमने क्या लगाया है, दा का यूज किया है। दा प्लस डिस्क्राइब नेशनलिटी, हम उन चीजों के साथ भी दा लगाएंगे जो हमारी नेशनलिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखो द इंडियन क्रिकेट टीम, अब ये क्रिकेट टीम की नेशनलिटी क्या है, इंडियन है, तो ये पूरी टीम की नेशनलिटी को डिस्क्राइब कर लिया, तो हमने इसके साथ क्या लगाया, इंडियन क्रिकेट टीम के साथ क्या लगाया है, दा लगाया है। क्लियर, हैज वॉन द
match. Okay, move to the next. The plus job or profession. जॉब और प्रोफेशन से पहले भी हम दा का यूज करेंगे, जैसे ही लाइक्स द बैंकिंग प्रोफेशन, ठीक है, ही लाइक द टीचिंग जॉब, तो दीज काइंड ऑफ एग्जांपल्स आर देयर. नेक्स्ट है दा प्लस ऑर्डिनल्स. ऑर्डिनल्स क्या होते हैं हमारे हमारे पास दो चीजें होती है, ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स. ऑर्डिनल होते हैं हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और कार्डिनल होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, दीज आर द कार्डिनल्स. ठीक है, तो हम किसके साथ दा लगाएंगे? ऑर्डिनल के साथ. जैसे द सेकंड लेसन ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, क्लियर, तो हमने सेकंड के साथ यहाँ पे क्या लगाया है, दा यूज किया है. नेक्स्ट देखो दा प्लस सिनेमा और थिएटर. सिनेमा और जो थिएटर वर्ड होते हैं हमारे, उनके साथ भी हम क्या लगाएंगे, दा का यूज करेंगे. जैसे शी इज गोइंग टू द थिएटर, क्लियर, हमने यहाँ पे थिएटर के साथ भी क्या यूज किया है, दा यूज किया है. नेक्स्ट है दा प्लस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और इन्वेंशन. किसी भी इन्वेंशन से पहले और किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी हम दा का यूज करेंगे. जैसे शी इज गोइंग टू, फॉर एग्जाम्पल, शी कैन प्ले द तबला. अब मैंने तबला, वॉयलिन, गिटार, इन सबके साथ भी हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, क्लियर. नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द टेलीफोन और टेलीस्कोप. जैसे टेलीफोन और टेलीस्कोप दोनों ही इन्वेंशन है, उन दोनों से पहले क्या यूज करेंगे, दा यूज करेंगे, हमने किया दिया यहाँ पर. नेक्स्ट है हमारे पास दा प्लस कमेटी, क्लब, फाउंडेशन, ट्रस्ट. किसी भी कमेटी, क्लब, फाउंडेशन, ट्रस्ट के नाम से पहले भी हम क्या यूज करेंगे, दा यूज करेंगे. जैसे द लॉयन क्लब, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द फोर्ड फाउंडेशन, द राजीव गांधी ट्रस्ट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट, द प्लस सेम. जो सेम वर्ड होता है हमारा, उसके साथ हम हमेशा दा का यूज करते हैं. एग्जाम्पल, योर बुक इज द सेम एज माइन, आपकी बुक बिल्कुल सेम है जैसे मेरी है. नेक्स्ट है द प्लस प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, आइलैंड्स, माउंटेन एंड पर्सन. जो भी प्लूरल नेम होते हैं हमारे, कुछ कंट्रीज के नेम प्लूरल होते हैं, कुछ माउंटेन्स के, पर्सन के. एग्जाम्पल में मैंने आपको सब मेंशन किया है. देखो द नीदरलैंड्स, द लक्षद्वीप आइलैंड्स, द फिलीपींस, द एंडीज, द हिमालयाज, द जॉनसन्स, द रामंस, द अंबानीज. ये देखो सारे क्या है, प्लूरल नेम्स है. तो इन सबके साथ हमें क्या यूज करना है, द. जैसे यहाँ पर हमारे ये जो है ये सारे पर्सन के नेम है. ये हिमालय मैंने यहाँ पे लिखा था माउंटेन का, ठीक है. फिलीपींस, एंडीज, आइलैंड्स लिखे थे, आइलैंड्स वगैरह, कंट्रीज, नीदरलैंड, फिलीपींस वगैरह क्या हमारे कंट्रीज है. ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन, द प्लस नेम ऑफ डायरेक्शंस. डायरेक्शंस के नाम के साथ भी हम हमेशा द का यूज करेंगे. जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ. एग्जाम्पल लिया है द सन राइजेस इन द ईस्ट. यहाँ पर मैंने द सन के साथ तो हमें दा लगाना ही था, यूनिवर्सल ट्रूथ था, यूनिक थिंग थी हमारी. इसके साथ भी हमें क्या लगाना है, दा यूज करना है. मूव टू द नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल और लिया, ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका. यहाँ पे भी तो नॉर्थ हमारा डायरेक्शन था, बट मैंने यहाँ पर द क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन के साथ एक प्लेस का नाम दिया गया है, एक कंट्री का नाम दिया गया है. तो जहां पे भी डायरेक्शन के साथ जगह का नाम हो या स्थान का नाम हो, वहां पर हमें डायरेक्शन के नाम के साथ दा यूज नहीं करना है. मूव टू द नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हैं, उनके साथ हमें दा लगाना ही है. जैसे द स्काई, द मून, द कंट्री, द एनवायरमेंट, द सी, क्लियर, इनके साथ हमें दा यूज करना ही है. देखो यहाँ पर एक नोट और मैंने बनाया है, स्पेस. स्पेस के हमारे पास दो मीनिंग होते हैं, एक होता है अंतरिक्ष, दूसरा होता है स्थान यानी जगह. तो जब हम स्पेस का मीनिंग अंतरिक्ष मान के चलते हैं, तो वहां पे हम द का यूज नहीं करेंगे. एग्जाम्पल, देयर आर लैक्स ऑफ स्टार इन स्पेस. यहाँ पर मैंने स्पेस के साथ द का यूज नहीं किया, क्योंकि इसका मतलब है अंतरिक्ष, ये अंतरिक्ष में लाखों तारे हैं. क्लियर, नीचे देखो, यहाँ पे स्पेस का मतलब है स्थान, और एग्जाम्पल है आई ट्राई टू प्लेस माई बुक देयर बट द स्पेस वॉज टू स्मॉल. क्या कह रहा है कि मैंने अपनी बुक्स को वहां रखने की कोशिश की, बट जो जगह थी वो बहुत छोटी थी. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्पेस के साथ क्या यूज किया है, द, क्योंकि यहाँ पे स्पेस का मतलब अंतरिक्ष नहीं स्थान है. ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन, द मिसेस प्लस सरनेम. यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर मेंशन किया आपको. जब हम दो अनमैरिड सिस्टर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो हमें उनको कोई लेटर लिखना हो या उनको इकट्ठे ही कोई बात बोलनी हो, तो हम क्या करते हैं, हम द मिसेज लगा के उनका सरनेम लगा देते हैं. क्लियर, और ध्यान रखना वो मिसेज के साथ दा लगेगा, क्योंकि हम दो अनमैरिड सिस्टर की बात कर रहे हैं. मिस तो यूज हुआ क्योंकि वो अनमैरिड है, दा यूज हुआ क्योंकि वहां पे दो की बात कर रहे हैं. क्लियर, तो हमने लिखा द मिसेज स्मिथ, द मिसेज, कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं, द मिसेज स्मिथ, द मिसेज सक्सेना, जो भी आपको एग्जाम्पल ठीक लगे. यहाँ पे हमारे पास हमारा डेफिनेट आर्टिकल खत्म हो जाएगा. दैट्स ऑल अबाउट द डेफिनेट आर्टिकल. क्लियर, नाउ वी मूव टू द जीरो आर्टिकल और नो आर्टिकल. अब हम बात करते हैं कि हमें किन चीजों के साथ आर्टिकल बिल्कुल यूज नहीं करना, मतलब वहां पे हमारा जीरो आर्टिकल यूज होगा या हम कह सकते हैं कि नो आर्टिकल यूज होगा. देखो, जीरो आर्टिकल और नो आर्टिकल के लिए मैंने फर्स्ट रूल लिखा है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट, इन सबके साथ हम दा यूज नहीं करते. क्लियर, बट अगर ये जो चीजें हैं वो इनके पर्पज से हटकर किसी और पर्पज के लिए यूज हो रही है, तो हम इनके साथ दा यूज करना पड़ेगा. क्लियर,
जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा कॉलेज किस पर्पज के लिए बना है, पढ़ने के लिए बना है। तो देखो आई गो टू कॉलेज एट 10 AM, ये किस लिए यूज किया, मैंने स्टडी पर्पज के लिए यहाँ पे यूज किया, बट मैंने यहाँ पे दा कॉलेज के साथ दा नहीं लगाया क्योंकि उसी पर्पज के लिए यूज किया मैंने जिस पर्पज के लिए ये बना है। बट नेक्स्ट में देखो द कॉलेज, अब मैंने कॉलेज के साथ दा लगाया है, अब मैंने कॉलेज के साथ दा क्यों लगाया है, क्योंकि कॉलेज अब यहाँ पे पढ़ने के लिए यूज नहीं हो रहा, अब कॉलेज यहाँ पे लैंडमार्क की तरह यूज हो रहा है, लैंडमार्क के पर्पज से यूज हो रहा है। ठीक है, देखो द कॉलेज इज नियर द राम हाउस, ठीक है, जो कॉलेज है वो कहाँ है, राम के मतलब जो राम का घर है वो कहाँ है, कॉलेज के पास है। ठीक है, तो अब वो लैंडमार्क की तरह यूज हो रहा है, तो इसलिए अब हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, दा यूज करेंगे। सेम फॉर द अदर, सेम फॉर द अदर्स, ठीक है, जहाँ पे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जैसे चर्च, चर्च किसके लिए बना है, पूजा के लिए बना है, अगर वहां पे पूजा के लिए कोई जा रहा है तो वेल एंड गुड, तो हम उसके साथ दा यूज नहीं करेंगे। बट अगर चर्च किसी लैंडमार्क की तरह या किसी मीटिंग प्लेस की तरह यूज हो रहा है तो हमें वहां पे उसके साथ दा यूज करना पड़ेगा। क्लियर, मूव टू द नेक्स्ट वन, अपॉइंट मेड नॉमिनेट इलेक्ट डिक्लेयर, इन वर्ड के बाद अगर कोई नाउन है तो हमें उस नाउन से पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी पोस्ट की बात करते हैं, जैसे चेयरमैन की बात करी थी हमने, है ना, तो उस पोस्ट से पहले हम एक दा आर्टिकल का यूज करते थे, बट यहाँ पर हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखो एमएलए पोस्ट तो है लेकिन उससे पहले इलेक्ट वर्ड आ गया, देखो कहाँ पे था इलेक्ट, ये रही है, और मैंने यही बताया था कि अगर ये वर्ड आ जाए और इनके बाद कोई नाउन हो तो हमें उस नाउन से पहले कभी भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है, क्योंकि इन वर्ड के बाद कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। ही वॉज इलेक्टेड एमएलए, हमने यहाँ पे एमएलए एन एमएलए कुछ नहीं लिखा है, ये द एमएलए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट वर्ड आ गया, तो हम इलेक्ट के बाद कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, नो आर्टिकल प्लस लंच डिनर सपर ब्रेकफास्ट, इन सब चीजों के साथ भी खाने के नाम के साथ भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। ठीक है, एग्जाम्पल ये आई हैड लंच एट 12 PM, मैं 12 बजे लंच करता, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लंच से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया क्योंकि खाने के नाम से पहले हम कभी भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। कई बार हम खाने के नाम से पहले आर्टिकल यूज करते हैं बट उस केस में खाने के साथ एक एडजेक्टिव जुड़ा होता है, जैसे अ डिनर अरेंज बाय मिसेस स्मिथ वाज सुपर, ठीक है, यहाँ पर सुपर डिनर के साथ जुड़ा था, एडजेक्टिव जुड़ा था, तो इसलिए हमने क्या किया, डिनर के साथ द यूज किया, द डिनर अरेंज बाय मिसेस स्मिथ वाज सुपर। क्लियर, नेक्स्ट देखो, नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ डिजीज, किसी भी बीमारी के नाम से पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। एग्जाम्पल है ही डाइड ऑफ क्लोरिया, वह क्लोरिया की वजह से मरा, ठीक है, क्लोरिया से पहले मैंने यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं किया, जैसे फीवर है, फीवर से पहले हम कभी कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है नो आर्टिकल प्लस लैंग्वेज और कलर, किसी भी भाषा या कलर के नाम से पहले भी हमें कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। एग्जाम्पल आई कैन स्पीक इंग्लिश और आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन स्पीक फ्रेंच, तो किसी भी लैंग्वेज के नाम से पहले भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। सेम एज इन कलर, ही लाइक्स ब्लू कलर, ही लाइक्स ग्रीन कलर, तो हम किसी भी कलर से पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। लुक एट द नेक्स्ट इन जीरो आर्टिकल, नाउन प्लस नंबर, यहाँ पे मैंने लिखा है द क्रॉस नाउन प्लस नंबर, ये क्या कह रहा है कि अगर किसी नाउन के साथ कोई नंबर दिया गया है तो हमें उसके साथ द आर्टिकल नहीं लगाना। आई एम नॉट सेइंग कि कोई आर्टिकल नहीं लगाना, आई एम ओनली सेइंग द आर्टिकल नहीं लगाना, ठीक है। जहां पर नो आर्टिकल है इसका मतलब कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, जहां पे अगर वो कह रहा है कि द नहीं लगाना तो इसका मतलब इनडेफिनेट आर्टिकल लग सकता है। देखो आर ट्रेन अराइव एट प्लेटफॉर्म 6, यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म था वो क्या था, हमारा नाउन था, उसके साथ एक नंबर लगा था, दैट इज 6, तो हमें यहाँ पर क्या नहीं लगाना, यहाँ पे द आर्टिकल नहीं लगाना। क्लियर, नेक्स्ट देखो, द नेम ऑफ रेस्टोरेंट होटल बैंक और नेम ऑफ पर्सन के साथ भी हमें द आर्टिकल यूज, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि अगर किसी रेस्टोरेंट होटल या बैंक का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर रखा गया है तो हमें उन नाम के साथ, उन बैंक या होटल या रेस्टोरेंट के नाम के साथ द यूज नहीं करना। क्लियर, एग्जाम्पल देखो एल लॉयड बैंक, इसके साथ हम कभी भी द यूज नहीं कर सकते। मैकडोनल्ड, इसके साथ भी हम कभी द यूज नहीं करेंगे। जैक गेस्ट हाउस, इसके साथ भी हम कभी द यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये किसी पर्सन के नाम पर रखे गए हैं। क्लियर, मूव टू द नेक्स्ट, रेडियो, रेडियो के साथ हम हमेशा द यूज करेंगे बट टेलीविजन के साथ नहीं करेंगे। आई ऑफन लिसन टू द रेडियो, आई डोंट वॉच टेलीविजन एट नाइट, यहाँ पर मैंने रेडियो के साथ द आर्टिकल यूज किया है बट टेलीविजन के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं किया है। और कोई आर्टिकल का मतलब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, हम इंडेफिनेट आर्टिकल यूज कर सकते हैं बट द टेलीविजन के साथ यूज नहीं कर सकते, डेफिनेट आर्टिकल नहीं कर सकते। आगे देखो, द क्रॉस नेम ऑफ कंपनीज, किसी भी कंपनी के नाम के साथ हम द यूज
नहीं कर सकते, जैसे सोनी, कोडाक, आईबीएम, रिलायंस, एयरवेज, ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिनके साथ हम द आर्टिकल यूज नहीं करते। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स के नाम से पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। आई एम नॉट सेइंग द, कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, ठीक है। आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, यहाँ पे मैंने पॉलिटिकल साइंस के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाया। मूव टू द नेक्स्ट, ही इज हर ऑन एंड सो ऑन प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस नो आर्टिकल। क्या कहता है? मैंने आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द आर्टिकल यूज करते हैं, जैसे द मोस्ट, बट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। कैसे? देखो, इसमें बोला है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले कभी कोई पोजेशन आ जाए, जैसे ही हर ऑन, मतलब किसी का अधिकार दिखाया जाए, तो वहां पे हमें द आर्टिकल यूज नहीं करना सुपरलेटिव के साथ। देखो, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे बेस्ट था, ठीक है, बट हमने द यूज नहीं किया क्योंकि इससे पहले पोजेशन आ गया कि वह मेरा अच्छा मित्र है। तो ये माई क्या दिखा रहा है यहाँ पे? पोजेशन दिखा रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट प्लेस द हियर। ओके, नेक्स्ट देखो, नो आर्टिकल प्लस नेचर। नेचर के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, जैसे डोंट इंटरफेयर विद नेचर, नेचर के साथ इंटरफेयर, छेड़छाड़ मत करो। यहाँ पे नेचर के साथ भी मैंने कोई आर्टिकल नहीं लगाया है। नेक्स्ट है नो आर्टिकल विद नेम ऑफ गेम। गेम के साथ भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। आई प्ले गोल्फ, गोल्फ के साथ भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट के साथ नहीं लगाएंगे, एंड सो ऑन। नेक्स्ट, नो आर्टिकल प्लस सीजन। सीजन के नाम के साथ भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। स्प्रिंग, विंटर, ऑटम, समर, इन सब के साथ। इन स्प्रिंग वी लाइक टू क्लीन द हाउस। स्प्रिंग के साथ भी मैंने यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं किया, ना ए ना एंड द। नेक्स्ट एंड लास्ट इज नो आर्टिकल प्लस टाइम ऑफ डे। टाइम ऑफ डे के साथ भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे लिखा है वी विल बी देयर अराउंड मिडनाइट, यहाँ पर मिडनाइट हमारा क्या था? टाइम ऑफ डे था, और मैंने इसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं किया है। इसका अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, तो वी कैन से वी ट्रेवल्ड मोस्टली बाय नाइट। यहाँ पे नाइट हमारा क्या है? टाइम ऑफ डे। ठीक है, नाइट के साथ भी हमने यहाँ पर ए एंड द कोई आर्टिकल यूज नहीं किया। मैं यहाँ पर एक चीज और आपको क्लियर करना चाहती हूँ। मैंने आपको बताया था कि हम प्लूरल कंट्री के नेम के साथ द यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन हम उन कंट्री के नाम के साथ भी द यूज करते हैं जिन कंट्री के साथ आपका यूनाइटेड वर्ड जुड़ा होगा, या स्टेट वर्ड जुड़ा होगा, क्लियर, या रिपब्लिक वर्ड जुड़ा होगा, या फिर किंगडम वर्ड जुड़ा होगा, या फिर किंगडम वर्ड जुड़ा होगा। अगर जिन कंट्री के नाम के साथ ये चारों वर्ड जुड़े होंगे, उनके साथ भी हमें द वर्ड लगाना है, जैसे द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट। दैट्स ऑल अबाउट आर्टिकल। थैंक यू।